हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं धानू, यहाँ से 80 किलोमीटर है। अभी 20 पुस्तक इसमें रख दिया, हिंदी है और देखो डिक्की में ही रख दिया गाड़ी में, और यहाँ पे बाकी आएगा। हेलमेट निकाल लिया, चलते हैं। अभी पहुँच गए पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल फुल करा रहे हैं। गाड़ी में तेल आया है 4.40 यानी 500 लीटर, 500 रुपये किया। अभी हम लोग सुबह सुबह बोईसर पहुँच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 4 सेवा है पुस्तक की, तो यहाँ पे करेंगे। अभी नाश्ता करते हैं यहाँ पे। ये देखो लिट्टी चोखा बिक रहा है, वो पैक कर रहे हैं। अभी पहला पुस्तक सेवा हम यहाँ पे कर रहे हैं इन भैया को देने के लिए। ये भी कुरियर ही बॉय है, हम भी कुरियर का ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो इनको दे दिए पहला पुस्तक, और ये हमारे साथ आए हैं एक भगत जी। इनको ना, इनके दोस्त का एक और था तो इनको ही दे दिए दूसरा भी, तो अभी हम लोग ये पहुँचा देंगे इनके गाँव का ही है। अभी हम लोग इनको दे रहे हैं एक पुस्तक, वो है नहीं तो बोले इनको ही दे के जाना। क्या नाम है आपका? रामनाथ। अभी रेलवे स्टेशन पे एक जने खड़े थे, उनको पुस्तक देना था। हम लोग जल्दी जल्दी भाग के आए, कम से कम 20 किलोमीटर दूर से 15 मिनट में ही आ गए। ये वानगांव रेलवे स्टेशन है, और देखो मैं स्टेशन के पास में ले दिया गाड़ी। कोई बोल भी सकता है गाड़ी इधर है, और इधर सब ये लगा हुआ गाड़ी। अभी वानगांव रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में इनका दुकान है भैया का, इनको भी देना था, इनको दे दिए। इधर रेलवे स्टेशन है और यहीं पे दुकान है। अभी इनका पुस्तक हो गया, ठीक है, ये फ्री में ही है, आप पढ़ना इसको ज़रूर। अभी हम लोग स्टेशन के बगल में ही आ गए हैं। ये देखो स्टेशन है, और यहाँ पर गाड़ी रोका है, और ये साथ में है एक भगत जी, और यहाँ पर एक स्कूल है वानगांव का। अभी यहाँ पर ना एग्ज़ाम हो रहा है, पता नहीं किसी चीज़ का, और यहाँ पे आप चलेगा हम लोग का भंडारा। देखो कितना बड़ा फील्ड है, उधर कहीं होटल मिला ही नहीं, अब भूख लगा है तो यहीं पे खाते हैं। अभी देखो खाने में पराठा, ये सब्जी, और ये देखो लीची। इसको मैं पता है कितने दिन बाद खा रहा हूँ। मैं कम से कम 10-12 साल बाद खा रहा हूँ इसको। गाँव पर ही खाने को मिलता है, यहाँ पर आज मिला है। तो ये वैसे छोटा छोटा, हमारे गाँव में ना इसके डबल बनता है। देखो ये दोनों मिला दो तो बनता है इतना, इसमें सत्तू भरा होगा, है ना। आप भी खाइए और हम भी खाते हैं। ये भगत जी लाए थे बना के, मस्त लग रहा है देखने में। तो अभी खाना खाते हैं फिर चलेंगे फिर सेवा करने। कैसे कैसे लोग हैं, इसके अंदर सत्तू डाला जाता है, और पैसे बचाने के चक्कर में देखो इसमें कुछ भी नहीं भरा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, कहाँ ले के जाएंगे। इसको वैसे ही आटा का ही रख दिया, वैसे ही और पैसा लिया पूरा। ऐसे ऐसे लोग धोखा करते हैं, इसके अंदर कोई घुस के थोड़ी नहीं देखेगा क्या भगत जी। क्या बात, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। इसमें कुछ भी नहीं डाला, इसमें देखते हैं क्या है। पकड़ना भगत जी, जोर से दबाइए। देखो इसमें है, मतलब ऐसे ऐसे है ना कि कैसे वो फेक करते हैं, गलत काम, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग खाना खा लिए, कैसा लगा लिट्टी? तो अभी यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कोई मैम टिकट का काउंटर पे उनको देना है, तो वहीं पे जा रहे हैं अभी। उनको भी पुस्तक है ना, आज हम लोग पहली बार जा रहे हैं रेलवे के काउंटर, काउंटर वाली मैम को देने के लिए। यहाँ से 2 मिनट की रास्ता है, चलिए। मैम एक फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं इसका, मतलब दिखाना पड़ेगा ना हमें। पुस्तक आप ऐसा लिए रहिए बस, एक सेकंड मैम, हमें दिखाना पड़ता है आगे ना, इसीलिए। ठीक है, ये मैं इनको दे दिए पुस्तक, 2 पुस्तक लिए इन्होंने। अभी स्टेशन पे देख के यहाँ साईं मंदिर के पास आ गए। क्या गांव का नाम है ये? कोटिम गांव है। कोटिम, हाँ। तो अभी इन सर को दे दिए पुस्तक, मेरा एड्रेस उधर लिखा था मैंने। अच्छा, लेकिन मैं तो, हाँ ये सर का उधर गांव है तो, लेकिन यहाँ पे बुला लिए हम लोग। अच्छा, हाँ सही है। अब ये पुस्तक कैसे मंगाए थे आपने? फेसबुक से? हाँ फेसबुक पे। हाँ, इनको शायद 2 पुस्तक चाहिए तो अभी 2 पुस्तक ले रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए क्या है। इन सर को दोनों पुस्तक पसंद आ गया, तो एक फ्री में मंगाए थे और एक पैसे से ले लिए, तो एक का 20 रुपया दाम हुआ, हो गया ना। हाँ, ये पुस्तक पढ़ के देखना, हाँ। आपके पूरी लाइफ चेंज कर देगी, देखेंगे ना। हाँ हाँ, अभी बुक इधर उधर हो गया है सब, तो इसको ठीक किया जा रहा है। हम लोग का अच्छा ना गुरुजी ने सेवा दे दी है, एकदम मजा आ रहा है ना भगत जी। आज के जैसा तो कभी भी मेरे को मजा नहीं आ रहा। कभी इधर कभी उधर, एकदम मस्त है, भगवान की दास है।
इसको ना एक में ऐसे लंबा करके रखोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। देखो अभी पुस्तक है और रख के इसको चलते हैं हम लोग लेंगे, और गाड़ी वहाँ पर खड़ी किए हैं हमने। स्कूटी से इसलिए आए ना, गली में भी जाना किधर भी जाना, कार नहीं लेके आए, और इसीलिए कि कार कौन लेके जाएगा, इतने तेल भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्या भगत जी। इसमें तो स्कूटी में 500 रुपये की तेल भरा है, अभी 100 रुपये का भी ख़त्म नहीं हुआ। सुबह से घूम ही रहे हैं, अभी 11:30 बज गया और सबका हो ही गया है लगभग, और 15-20 पुस्तक है। मतलब पुस्तक तो ज़्यादा लेके आए थे हमने, और उन लोगों का देखते हैं जो जो मिलेंगे और देखते रहेंगे, है कि नहीं भगत जी। भाई ये देखो कार ये ख़राब हो गई आधे रास्ते में, इसीलिए मेरा सलाह सही था, पुराना गाड़ी मत लो। देखो फैमिली बैठा रखे और इनकी कार बंद हो गई, इसीलिए मैंने सोचा यार कुछ पैसा ज़्यादा लग जाए, लेकिन नया ही लो। देखो कितने इनको बेकार लगता होगा, रोड पे खड़ा करके आप ठीक कर रहे हैं। क्या भगत जी, नया गाड़ी ले लो बेशक थोड़ी पैसा ज़्यादा जाए, लेकिन पुराना मत लो, रोना पड़ेगा रोड पे खड़ा होके। ना कोई ड्राइवर ना कोई मैकेनिक मिलेगा ना कुछ भी, अब खड़ा करके फैमिली इधर लेडीज भी है उस साइड, देखो कितना परेशानी हो रहा। उससे तो अच्छा हम लोग की स्कूटी है, किधर भी भ्रूम भ्रूम चल जा रहे हैं। चलो अब चलते हैं, हो गया। अब ये देखो इतनी बड़ी बड़ी गिट्टी रख दिया है यहाँ पे, पता नहीं कौन, रोड बन रहा है और गाड़ी भगत जी निकाल रहे हैं, मेरे से तो निकल नहीं रही है। चलिए भगत जी निकालिए आराम से। ये देखो बहुत मुश्किल का काम है यहाँ पे, निकल गई गाड़ी, निकल गई। अभी इनको पुस्तक दे दिए, कौन सा गांव है? केतखड़ी, वानगांव केतखड़ी। वानगांव केतखड़ी, ठीक है। ये बोलना आप अपने लिए मंगाए हैं कि बेटी के लिए? अच्छा, मेरे लिए, हमको पढ़ने का है। हाँ, यदि आपको और चाहिए तो ये मात्र 20 रुपये की है, और ले सकते हैं। ये जगन्नाथ हमारा, ये वाला मराठी है। हाँ मराठी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेस्ट पुस्तक होगा, लाइफ चेंज कर देगा। 20 रुपये का? हाँ नहीं, ये दोनों भी ऑर्डर किए रहते हैं तो फ्री में ही मिलता, लेकिन ये आपने एक ही ऑर्डर किए ना तो एक आपको पैसे से मिलेगा 20 रुपये की। इसमें इसमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, आप पढ़िए ना आप समझ में आएगा। ये आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है, आप पढ़ के देखिए। 20 रुपये में तो है नहीं कुछ, कोई कोई लोग तो बीड़ी तम्बाकू खा लेते 20 रुपये की, इतना मोटा किताब 20 रुपये की मिल रही है ना। आप पढ़िए इसको एक बार। हाँ ये भगत जी का, इधर घूम के भी आ गए, सेवा भी कर रहे हैं, फ्री में है, और कोई पैसे से भी लेना चाहे तो मिल सकता है। वैसे हम लोग के लिए नहीं है, गुरु जी के आदेश से कोई लेता है पैसे में तो 20 रुपये की, तो इनको तो अभी हम लोग दे दिए 20 रुपये की। अंकल जी को गए वो अंदर पैसा लेके आने के लिए, क्या गुरु जी ने मौज कर दिए, फ्री में भी और पैसे पे भी बिक रहा है पुस्तक, है ना। ऐसा ही गुरु जी की दया हो जाता है, रोज़ रोज़ कम से कम 100 पुस्तक निकल जाता हम लोग को पैसे से, है ना, तो गुरु जी की दया से अच्छा हो जाता। वैसे पैसे से निकले या फ्री से, है ना, बस सेवा होनी चाहिए, बस ये है। वैसे भी चलेगा। अभी यहाँ पे भी हम लोग दे दिए एक पुस्तक, अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। हाँ निकल गया, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं ढानू, और ये देखो रास्ते में क्या चीज़ें देखने को मिल गया, बाप रे इतनी नाव, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, इतना कलर वाली दिख रही है, मस्त लग रहा है ना। पानी देख के कितना डर लग रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग पुल पे खड़े हैं ये देखो, और यहाँ से इतना भयानक देखने में लग रहा है ना, इतना मस्त, उधर सब मच्छी पकड़ के और सुखाने वाला वो लकड़ी लगा रखे, और ये देखो कितने दूर दूर में समुंदर दिख रहा है, बाप रे इतनी भयानक। ये देखो इधर कोई ऑफिस है इधर, और ये कितना मस्त लग रहा है ना। अभी हम लोग मज़ा आ रहा है पुस्तक सेवा करने में। और ये देखो अभी हम लोग ढानू रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ पे किसी को एक जने को पुस्तक देना था, वो बुलाए हैं, और बाकी लोगों को और देखते हैं कॉल लगा के। भगत जी भी बहुत आज संघर्ष कर रहे हैं। क्या भगत जी, तो अभी उनको कॉल लगा के पता करते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन है। ढानू तो हम लोग पहली बार आए हैं रेलवे स्टेशन, इधर ना मेन मार्केट है, इधर से हम लोग आए हैं, और ये रेलवे स्टेशन है, इधर गाड़ी लगा दिए। और ये देखिए चाचा वो क्या क्या मार रखे हैं। भैया मैं कॉल लगाता हूँ सबको जल्दी जल्दी। अभी यहाँ पे और ना 5-6 जने हैं ना, उनको भी देना है, तो उनको भी इधर ही बुलाएं। हाँ इसमें ना मतलब अभी 40-50 जने को देना है। ओके ठीक, ये आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हैं।
ये आप चाहिए तो ले सकते हैं, 20 रुपये की है, 20 रुपये कोई बड़ी रकम थोड़े नहीं है। यदि आप ना फ्री में चाहिए तो ऑर्डर करेंगे ना तो वैसे आ जाएगा, पीछे नंबर पे आप ऑर्डर करेंगे ना तो फ्री में ही आ जाएगा। अपने को फ्री की बात नहीं, वो पढ़ते नहीं, वो पढ़ता है इसलिए, अपन पढ़ते तो नहीं, जो पढ़ता उसको काम। एक जने को पुस्तक देने के लिए बात करा रहे हैं, वो बहुत दूर है, तो बोले इनको ही दे देने के लिए, तो इनको ही दे देते हैं। ठीक है, आप दे दीजिए इनको, भगत जी पुस्तक दे दीजिए, हाँ इनको, उनको दे देना आप। हाँ ओके, आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हैं, 20 रुपये की है। ओके ओके, अभी यहाँ पे पुस्तक दे दिए हैं, वो आपके हस्बैंड थे ना? हाँ ठीक है ठीक है। अभी एक सर पुस्तक ले रहे हैं, एक ये जीने की राह है मराठी भाषा में, इनको पसंद आ गया, इनका नाम है ज्योति टायर से है ना, हाँ तो इनको पसंद आ गया, ले लिए। ठीक, अभी सर को दे दिए पुस्तक। कौन से गाँव है ये? डहानू। अच्छा डहानू, ओके ओके ठीक है। हम लोग यहीं पे आके 4-5 बार घूम के गए ना, कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे आप? नहीं मैं थोड़ा सो गया था ना। अच्छा फोन चले नहीं 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 ठीक है, ओके ओके ठीक है। हम लोग देखो कहाँ आ गए, ये समुंदर के पास में, वो गजब का लग रहा है, यहाँ पे गुदगुदी सा हो रहा है, डर भी लग रहा है इतनी ना। ये देखो क्या बोलते हैं इसको, हमारे गांव में तो नाव बोलते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं। ये देखो इधर ना मच्छी को ना धो सुखा रहे हैं ये लोग, और ये देखो कैसा, इसी गांव में हम लोग यहीं पे पुस्तक देने के लिए आए हैं, यहीं पे कोई बहन है, उनको नवजोत नाम है, उनको पुस्तक देना है। और ये देखो ये कैसा लग रहा है यहाँ पे, एकदम दिल में गुदगुदी सा हो रहा है ये। तो ये तो थोड़ा चले भगत जी पानी में, चलोगे? ये तो पहले ही डर रहे हैं। एक देखो यहाँ पे ना, ये देखो समुंदर में ना वो बीच में है, ये कितनी बहुत बड़ी जहाज है, उसमें पता नहीं घर भी है क्या। और ये देखो सब इधर ना सब लगा रखे हैं, ओ कितना मस्त लग रहा है देखने में ना, ओ भाई ऐसे लग रहा है। और सामने देखो वो पुल पे थे ना, वो पुल पे हम लोग वीडियो बनाए थे, उस पुल से हम लोग उधर गए थे डहानू, अब इधर जा रहे हैं, यहाँ पुस्तक है और नाव गाँव में है। और देखो ऐसे लग रहा है मेला लगा हुआ है यहाँ पे जहाज़ों की, और गजब की लग रही है। मेरे को तो डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है और गुदगुदी भी हो रही है। ऐसे कैसे ऐसे लग रहा है ना, ओ भाई सर पे मत मार देना, वो इधर क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ पे केला बीच से तो ज़्यादा मज़ा है, यहाँ पे घूमने लायक है, अच्छा है, इसमें नहाने लायक तो नहीं है बट ना यहाँ पे मच्छी, मगर ना ऐसा है ना कि कोई आज जिसको मच्छी का वो सुगंध नहीं समझ सकता वो उल्टी भी हो जाएगा, इधर मच्छी धो रहे हैं। मेरे को लगा ना वो कोई लड़की का नाम है। नहीं, नहीं, वो मेरे लड़के का नाम है। हाँ तो हाँ, इन्होंने हमारे लिए ये ड्यू लेके आ गए, और भूख लगा है तो खाना भी है। कैसा मन कर रहा है खाने का? मन कर रहा है ना, पूरे दिन घूमते रह गए तो अभी आ गए खाने। हाँ यहीं पर रख दीजिए। हाँ तो अभी इनके घर पे आए हैं, अभी यहीं पे खाना भी खाएंगे और फिर जाएंगे पुस्तक देंगे। अभी देखो ये रोटी और पराठा आ गया, अभी खाएंगे। नहीं नहीं हो जाएगा, इस पे ही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। तो अभी रोटी और पराठा खाते हैं, दिन भर घूमते घूमते टाइम ही नहीं मिला, अभी इन्होंने थाली भी लिया दी। हाँ ले कर लो, यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग खाना खा लिए और भगत जी भी खा लिए, इनके घर पे रुके थे, बहुत अच्छा लगा आपके घर पे। इन्होंने ना हम लोग को बहुत ना मतलब अच्छे से व्यवहार किए, और ये भी लाए थे पीने के लिए कोई ठंडा भी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग फिर वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, अब हम लोग जाएंगे गाड़ी से। ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाए थे, और दूसरा भी ना पुस्तक ले लिए, जीने की राह, वो भी मराठी भाषा में, मराठी में हिंदी में? हिंदी चलेगा ना, आप मराठी में चाहिए तो ले लीजिए, मराठी भी है। अच्छा मराठी चाहिए तो मराठी भी ले सकते हैं, मराठी भी हमारे पास बहुत पड़ी है, वो गाड़ी पे भी देखिए वो पूरा है। चलेगा ना, ठीक है। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, कौन सा गांव है? आसनगांव। ये डहानू में पड़ता है ना, डहानू में, डहानू से कितना दूर होगा ये? ये 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर है। तो सर ने ना इनकी मैडम के नाम पे और इनके नाम पे दो पुस्तक है, तो अभी पता लगा, दे देते हैं। वो जब दूसरा ऑर्डर आएगा ना उसको आप कैंसिल कर देना है ना। ओके ठीक है, दे देते हैं। लेकिन वो मराठी ही मंगवाए थे, हिंदी है क्या? नहीं नहीं मराठी है, दोनों मराठी है, मराठी है ना वो। हाँ आप पढ़ के देखिए एक बार, भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया है ना मराठी।
तो अभी इन सर को दे दिए पुस्तक, यहीं पे लास्ट पुस्तक है, अब हम लोग जा रहे हैं जल्दी से घर पे, भाजी को ड्यूटी जाना है। ओके। तो अभी जल्दी से चलते हैं, आपको दे दिया ना? ओके ओके ठीक है। अभी भगत जी को घर पे छोड़ दिया, और ये देखो मेरे को लगा ना गाड़ी पंचर हो गया, ऐसे ऐसे कांप रही थी, तो देखा तो दोनों टायर तो ठीक है, हवा नहीं है, हवा तो पूरा फुल है, मेरे को लगा पंचर हो गई है क्या। अभी मैं पालघर में आ गया हूँ, इधर से जा रहे हैं, 20-25 मिनट लगेगा घर पे जाने में। अभी गाड़ी पार्क कर दिए, आज गाड़ी 180 किलोमीटर चल गई, और इतना ही पुस्तक बचा है, इसको अब लेके चलते हैं घर में रख देंगे, अभी तो डिग्गी में है, वो बाद में लेके निकालेंगे इसको।